नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे आपको UK SSC में OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा कि UK SSC ने OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अनिवार्य कर दी है, और बिना इस OTR के आप UK SSC की कोई भी न्यू वैकेंसी आती है तो उसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, OTR होता क्या है? OTR होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी आपको UK SSC की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, और आपकी जो पूरी डिटेल्स है यानी एजुकेशनल यानी क्वालिफिकेशन डिटेल्स या एड्रेस वेरिफिकेशन या प्रोफाइल पिक्चर या सिग्नेचर ये वगैरह वगैरह आपको सब उसमें एक बार रजिस्ट्रेशन करना है, सब आपको वहाँ पे सबमिट करनी है। ताकि इसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि ताकि जब भी कोई न्यू वैकेंसी आती है तो बार बार आपको वहाँ पे अपनी फोटो, अपने सिग्नेचर या अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स बार बार सबमिट ना करने पड़े। आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी एक ही बार वहाँ पे ये बाकी सारी डिटेल्स आपको सबमिट करनी है, जिसके बाद आपको कभी भी बार बार ये सबमिट करने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको वही बताएंगे, क्योंकि आजकल भी UK SSC की ओर से कई नई वैकेंसियाँ जारी की गई है, लेकिन कई स्टूडेंट्स को OTR करने में दिक्कतें आ रही है, वो अपने मोबाइल से OTR नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको वही बताएंगे कि कैसे आपको अपने ही मोबाइल से UK SSC के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल में अभी तक नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये आपका गूगल खुल गया क्रोम ब्राउज़र से, और यहाँ पे आपने टाइप करना है UK SSC.in, यहाँ पे हो रखा है, और यहाँ पे आपने क्लिक करना है। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं उत्तराखंड, यहाँ पे UK SSC की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। इसमें आपने यहाँ पे नीचे जाना है, और यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखा होगा नीचे OTR, यहाँ पे आप देख सकते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। OTR है तो क्लिक करें, तो इस पर आपने क्लिक करना है, और उसके बाद ये खुल जाएगा न्यू पेज, और यहाँ पे आपको नीचे दिख जाएगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर, तो क्लिक आपने यहाँ पे करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ रहा है लॉगिन और यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो लेकिन अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं होगा, आपने क्या करना है कि न्यू यूज़र यहाँ पे है रजिस्टर, इस पर क्लिक करना है। लेकिन अभी क्या है, जनरली इस सिचुएशन में क्या नहीं होगा, इस मोबाइल से यहाँ पे न्यू यूज़र पे क्लिक नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, अगर आप मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ से ये यहाँ पे तीन बिंदु हैं क्रोम ब्राउज़र की सेटिंग पर जाना है, और यहाँ पर आपको यहाँ पे नीचे जाना है, यहाँ पे डेस्कटॉप साइट होगा, ठीक है, इस पर आपने क्लिक करना है, और जैसे ही वो हो जाएगा अपलोड हो जाएगा, आप देखो यहाँ पे न्यू यूज़र पे हमने क्लिक किया, क्लिक हो गया, ठीक है। बिना जब तक आपने डेस्कटॉप साइट नहीं किया तब तक आपका ये वहाँ पे क्लिक नहीं होगा, ठीक है। तो आपको मोबाइल में वो सेटिंग करनी है, यहाँ से जाके डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करके, और उसके बाद ये हो रहा है डेस्कटॉप साइट पर क्लिक, ठीक है, और उसके बाद ये खुल जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपना न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने यूज़र नेम डालना है, और यहाँ पे आपने डालना है ईमेल, और यहाँ पे अपना अपना पर्सनल नंबर डालना है जिस पे आपका OTP आ सके, ठीक है। और उसके बाद आपने इंटर द टेक्स्ट एज इन द मैसेज, ठीक है, ये वाला जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे इंटर करना है, ठीक है, और उसके बाद जनरेट OTP करना है। दोस्तों, जैसे आप अपना यूज़र नेम और वहाँ पर ईमेल आईडी और वहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, ठीक है, उसके बाद आप वहाँ पे जो कैप्चर है वहाँ पे आपने वो डालना है, और उसके बाद जनरेट OTP क्लिक किया आपने, और आपका यहाँ पे OTP आ जाएगा, और वो आपने यहाँ पे डालना है, ठीक है। यहाँ पे OTP जो आपके मोबाइल नंबर पे जो आपने डाला है वहाँ पे, यहाँ पे आपने डालना है, और फिर ये टेक्स्ट यहाँ पर इंटर करना है, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ डालनी है, डेट ऑफ बर्थ कैसे डालनी है, डेट मंथ और फिर ईयर लिखना है, ठीक है। और फिर आप अपनी तरफ से एक पासवर्ड अपना रखेंगे, ठीक है, नाम और वर्ड्स यहाँ पर मिक्स करेंगे, ठीक है, और कन्फर्म पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड और यूज़र नेम आपको हमेशा याद होना चाहिए। दोस्तों, अब आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, लॉगिन पे यहाँ पे आ रखा होगा, नया पेज खुल गया, यूज़र नेम यहाँ पे आपने डालना है, और यहाँ पे पासवर्ड डालना है, और फिर यहाँ पे अपना जी ऊपर टेक्स्ट है 9ACA यहाँ पे इंटर करना है। दोस्तों, लॉगिन करने पर यहाँ पे एक ये पेज खुल जाएगा, ठीक है, इस पर आपको आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आपको यहाँ पे इसको आप आराम आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे ये ना आप इस पर क्लिक करना है, और फिर आपने यहाँ पे गो करना है। दोस्तों, इसके बाद ये न्यू पेज खुल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे या रखा है, यहाँ पे स्टेप है एप्लीकेशन सबमिशन प्रोसेस, प्रोफाइल करेक्शन एंड अपडेशन करना है आपने पहले, ठीक है, प्रोफाइल करेक्शन करना है पहले, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम चल रहा है 19 मिनट, और यहाँ पे देखो सेकेंड कम हो रहे हैं, 19 मिनट में आपने एक स्टेप कम्प्लीट करना है। तो यहाँ पर प्रोफाइल करेक्शन पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे कितने स्टेप हैं, लगभग 6 स्टेप, ठीक है। स्टेप 1 पहले करना है आपको, तभी आप स्टेप 2 कर पाएंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस इन्फॉर्मेशन, अदर इन्फॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और यहाँ पे
एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन एंड अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, ये आपको सब करने हैं 6 स्टेप, और यहाँ पे प्रत्येक के लिए 19 19 मिनट है, ठीक है। एक स्टेप जैसे आप करोगे जितने मिनट में लगेंगे, स्टेप टू में जाने पर वो फिर 19 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आर यू होल्डिंग ऑन आधार कार्ड, तो यहाँ पे करना है यस, क्योंकि आधार कार्ड होता है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, यहाँ पे आपने अपना नेम इन इंग्लिश जो कि आधार कार्ड में, ठीक है। यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सर नेम आ जाएगा। यहाँ पे आपका फुल नेम इंग्लिश में, ठीक है, जो टर्न सर्टिफिकेट में है। यहाँ पे आपने जेंडर डालना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, मदर्स नेम डालना है, और यहाँ पे आपको फादर्स नेम डालना है जो कि 10th के सर्टिफिकेट में, ठीक है। यहाँ पे आपने ईमेल आईडी यहाँ पे पहले आ चुकी है, और यहाँ पे आपने लैंडलाइन जो एसटीडी कोड है आपका तो डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी यहाँ पे अपने आप, एज भी अपने आप आ जाएगी, बर्थ स्टेट उत्तराखंड है आपका या जो भी आपका वो डाल सकते हैं, बट डिस्ट्रिक्ट किस जिले से आप जन्मे हो, किस तहसील में पढ़ते हो, जहाँ मतलब जिस गांव से आप जन्मे हो, ठीक है। और यहाँ पे बर्थ विलेज आपने डालना है। फिर है रेजिडेंटल एरिया, यहाँ पे क्या आएगा, या तो प्लेन या हिल, मतलब पहाड़ से हो या शहर से हो, तो जहाँ से भी आप वहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नेशनलिटी इंडियन होगी, ठीक है, यहाँ पे इंडियन का ऑप्शन आ रखा है, इंडियन आपको डालना है, ठीक है। वेदर मैरिड, तो आप यदि मैरिड हैं तो यस, और शादीशुदा नहीं है तो नो, शादीशुदा है तो यस, शादीशुदा नहीं है तो नो करो, ठीक है। वेदर डोमिसाइल उत्तराखंड, उत्तराखंड के स्थायी निवास है, यस करना है, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे यस कर दिया, डोमिसाइल उत्तराखंड, डोमिसाइल उत्तराखंड, स्थायी निवास उत्तराखंड, यस। और उसके बाद डोमिसल यानी स्थायी निवास बोलते हैं डोमिसल को, ठीक है। स्थायी निवास प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डालना है, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, इशूइंग डेट, सॉरी सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट करना है आपने, जो आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वहाँ पे ऑप्शन पे आ जाएगा, ठीक है। टिहरी है, पौड़ी है, देहरादून है, जो भी है, ठीक है। और वहाँ पे स्थायी निवास इशूइंग डेट कब वो जारी हुआ उसकी यहाँ पे आपको डेट डालनी है। उसके बाद आर यू डिफरेंट एवरी पर्सन पीएच, आप यस या नो विकलांग हैं या नहीं है तो यस या नो करना है। परमानेंट आइडेंटिटी मार्क्स ऑन बॉडी, इसको भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस पे स्टार है उसको तो कंपलसरी है भरना, ठीक है। जैसे इस पे स्टार है, इस पे स्टार है, इस पे स्टार है, इस पे स्टार नहीं है, वैसे इसका मतलब है कि आपकी बॉडी पे कोई ऐसा आइडेंटिफाई, ऐसा पहचान है जो सिर्फ आप पे, ठीक है। तो वहाँ पर आपने वो डालना है या नहीं भी डाल सकते हैं। डू यू वॉन्ट टू अप्लाई फॉर 10% रिजर्वेशन EWS, यानी इकोनॉमिकल वीकर वाला, जो आप 10% वाला यदि आपके पास सर्टिफिकेट है तो यस कीजिए, और नहीं है तो नो कीजिए। और उसके बाद कैटेगरी आपकी जो भी है, जनरल है, OBC है, SC है, ठीक है, वो आप सेलेक्ट कीजिए, और फिर उसमें भी पूरी डिटेल्स जो भी भरने के लिए आ जाएगी। फिर आपको सेव करनी है, और सेव के बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, और नेक्स्ट स्टेप खुल जाएगा आपका ये वाला स्टेप टू, एड्रेस इन्फॉर्मेशन। दोस्तों जैसे आप स्टेप फर्स्ट में पूरी डिटेल्स भर दोगे और उसको सबमिट कर दोगे, वहाँ पे आपने सेव करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट में आपका आ जाएगा स्टेप टू। स्टेप वन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और आप स्टेप टू का यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। तो स्टेप टू है एड्रेस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इंटर हाउस नंबर, इंटर बिल्डिंग, और यहाँ पर आप रोड लिख रखा इधर, ठीक है। यहाँ पर एरिया, लोकेलिटी, लैंडमार्क, ठीक है। और यहाँ पर स्टेट आपको डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, तहसील डालना है, ठीक है, विलेज डालना है, पिन कोड डालना है, और पुलिस स्टेशन जो आपका सबसे नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वो वगैरह भरना है, ठीक है। उसके आपने क्या करना है, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस इन द सेम एज परमानेंट एड्रेस, ठीक है। तो आपने परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम, देखो आपने पहले परमानेंट एड्रेस भरना है यहाँ पे, उसके बाद आपका अगर परमानेंट एड्रेस ही डालना चाहते हो तो इसको क्लिक कर दो, ठीक है, और उसके बाद आप इसको सेव कर दोगे, ठीक है। बस यही प्रोसेस यहाँ पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट 3 स्टेप खुल जाएगा अदर इन्फॉर्मेशन का। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं, अगर आपको हाउस नंबर पता नहीं है या नेम ऑफ बिल्डिंग, तो इनको भरने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनमें स्टार नहीं लगा हुआ है, ठीक है। कंपलसरी भरना, सबमिट करना उन्हीं को है जिन पे स्टार लगा हुआ है, जैसे डिस्ट्रिक्ट, तहसील, उत्तराखंड या स्टेट आप डाल सकते हो, ठीक है। पिन कोड और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन यदि आपका है तो डाल सकते हो, नहीं है तो नहीं डाल सकते हो। दोस्तों जैसे आप ऊपर सब डिटेल्स भर दोगे, आपको फिर यहाँ पर टिक कर देना है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर सेव कर देना है। दोस्तों अब यहाँ पे स्टेप वन और स्टेप टू कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। वहाँ पे कलर चेंज हो गया है, और यहाँ पे देखो टाइम भी दोबारा चेंज हो गया, 19 मिनट, ठीक है। जैसे आप नेक्स्ट स्टेप में जाओगे, एक स्टेप भरने के लिए यहाँ पे आपको 19 मिनट मिल रहे हैं, ठीक है। स्टेप थ्री है अदर इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे वो क्या मांग रहा है हम आपको बताते हैं, क्या क्या मांग रहे हैं यहाँ पे। आर यू एम्प्लॉयड, तो आप यदि आप रोजगार हो तो यस, अगर आप कहीं नौकरी करते हो तो यस कर सकते हो, नहीं तो नो।
उसके बाद यहाँ पे आ रहा है इज़ योर नेम रजिस्टर्ड इन एनी डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉय, यदि आपने किसी भी डिस्ट्रिक्ट के एम्प्लॉय में नाम लिखा रहा है, ठीक है, एम्प्लॉय ऑफिस में यदि आपने नाम लिखा रहा है तो आपको यहाँ पे यस करना है, तो इसको तो यस करना ही होगा क्योंकि आपने लिखा ही होगा। और यहाँ पे आपने इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है किसका, जो आपका एम्प्लॉय ऑफिस में जब आपने नाम लिखाया होगा तो वहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिला होगा, तो उसका आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, और एम्प्लॉयमेंट ऑफिस नेम डालना है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब आपने रजिस्ट्रेशन किया, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस डेट यहाँ पे आपकी भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में नाम लिखाया होगा, ठीक है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन डेट वैलिड कब तक ये वैलिड है, ठीक है, जनरली वो 3 साल तक वैलिड रहता है, ठीक है। फिर आर यू एक्स सर्विस मैन, यदि आप एक्स सर्विस मैन हैं तो यस कर सकते हो, नहीं तो नो कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, यदि आप डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर हो तो, ठीक है, आर यू डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर, यदि आप स्वतंत्रता सेनानी के वो मतलब आपके घर में कोई हो तो आप यस कर सकते हो, नहीं तो नो कर सकते हो, ठीक है। डू यू वॉन्ट हैव प्रोफेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, NSS, NCC या TA, तो यदि आपका NSS या NCC इनमें से कोई हो तो यस, नहीं तो नो कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मेरा तो है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने यस कर दिया, और अब आपने यदि NSS है तो यहाँ पे यस करना है, यस मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। मिनिमम 2 ईयर्स ऑफ सर्विस इन टेरिटरी आर्मी, यदि आपने आर्मी में 2 ईयर की सर्विस दे रखी है तो यस कर सकते हो, नहीं तो नो कर सकते हो। NCCB तो यहाँ पे यस करना है, और NSSC यहाँ पे NCCB है तो यस करना है, वैसे ही यहाँ पे, इसलिए NCCB का अब यहाँ पे वो क्या मांग रहा है, अब आपको NCCB का यहाँ पे डेट चाहिए, कौन सी वाली डेट, NCCB सर्टिफिकेट एक्वायरिंग डेट, यहाँ पे NCC यस करना है तो वो भी वहाँ पे डेट मांगेगा जब आपका सर्टिफिकेट आपको मिला होगा, ठीक है, सर्टिफिकेट भी NCC और NCC में दोनों में डेट होगी। उसी प्रकार NSSB का यदि आपका है तो भरना यस करना है, और उसमें जब वो जारी हुआ उस दिन की डेट जब आपको मिला था, और NSSC का सर्टिफिकेट जब उसमें एक डेट होगी और यस करना है, उसके बाद वहाँ पे आपको डेट सबमिट करनी है। उसके बाद यदि आपका क्या है, इज देयर एनी क्रिमिनल केस, यदि आपका एनी कोई क्रिमिनल केस कर रहा है और पेंडिंग में है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है, सबका नो ही होगा, ठीक है। और वेदर डिवाइड ऑन अथवा ब्लैक लिस्टेड फॉर एग्जामिनेशन सेलेक्ट हेल्ड बाई UKSSC, दोस्तों इसके बाद आपने जो ये वाला ऑप्शन है इसको आपने यहाँ पे नो करना है, ठीक है, नो करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अदर कंडीशन डिटेल्स आ रहा है, उसके बाद प्लेस ऑफ रेजिडेंसी, प्लेस ऑफ 10th क्लास स्कूलिंग, ठीक है, यहाँ पे प्लेस ऑफ रेजिडेंसी, तो यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो रूरल कर सकते हो, और अर्बन यानी शहरी क्षेत्र से तो अर्बन कर सकते हो, ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र से तो रूरल और शहरी क्षेत्र से तो अर्बन कर सकते हो। यहाँ पे प्लेस ऑफ 10th क्लास स्कूलिंग, विलेज या शहर से आपका 10th क्लास है तो आप यहाँ पे भर सकते हो, यदि विलेज से 10th क्लास तो विलेज कर दो, और शहर से तो अर्बन कर दो, ठीक है। टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ क्लास 10th क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे गवर्नमेंट या प्राइवेट जहाँ से आपने 10th क्लास पास कर रखा है। फादर्स क्वालिफिकेशन क्या है, आपके फादर्स की क्वालिफिकेशन, ठीक है, 12th है, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट जो भी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। फादर ऑक्यूपेशन, यहाँ पे आपके फादर्स क्या करते हैं, ठीक है, और उसके बाद मदर्स क्वालिफिकेशन, मदर्स ऑक्यूपेशन, यहाँ पे आपकी माँ क्या कर सकती हैं, क्या करती हैं। मोड ऑफ प्रिपरेशन, आप क्या सेल्फ स्टडी करते हो या कोचिंग करते हो तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे डाल सकते हो। फैमिली एनुअल इनकम, ठीक है, वार्षिक इनकम कितनी है फैमिली की, 2.5 लाख टू 8 लाख, 8.5 लाख टू 15 लाख, ठीक है, ये आप अपने यहाँ पे सब डिटेल्स भर सकते हो। उसके बाद आपने यहाँ पे सेव करना है और नेक्स्ट कर देना है। दोस्तों जैसे आपके स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड और स्टेप थर्ड पूरे हो जाएंगे, वैसे स्टेप फोर यहाँ पे ओपन हो जाएगा, क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपको क्या डालना है, अपनी क्वालिफिकेशन पूरी डिटेल्स सहित भरनी है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन टाइप, तो पहले आपको क्या करना है, SSC मैट्रिक हाई स्कूल करना है, नेम ऑफ डिग्री यहाँ पे भी क्या होगा, SSC मैट्रिक हाई स्कूल, यहाँ पे स्टेट नेम डालना है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्वालिफिकेशन डिटेल्स में वो क्या आ रही है, इसमें मोबाइल में पूरा का पूरा पेज नहीं खुल पा रहा है, यहाँ पे क्या आता है कि यहाँ पे सिर्फ कोर्स ड्यूरेशन और डेट ऑफ डिक्लेरेशन और रिजल्ट तक आ रहा है, जबकि नीचे भी क्या है, एक इधर साइड राइट हैंड साइड जो यहाँ पे पूरी स्क्रीन नहीं आ रही है, वहाँ पे क्या आपको नंबर भी डालना है, प्राप्तांक, पूर्णांक और परसेंटेज भी मांग रहा है, ठीक है, ऐसे ही 12th के उसमें मांगे जब आप ऐड करोगे, और ऐसे ही ग्रेजुएशन के उसमें भी मांगेंगे, ठीक है। तो इस क्वालिफिकेशन डिटेल्स को आप अपने मोबाइल से न भर के, किससे भरें, लैपटॉप या किसी भी कंप्यूटर सेंटर से आप भरा सकते हैं उसको, ठीक है। तो हम आपको बताएंगे कैसे आपको लैपटॉप या कंप्यूटर से आगे यहाँ पे वो पूरी डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको भरनी है। दोस्तों ये मैंने खोल दिया है लैपटॉप पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेप फॉर क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, ठीक है, यहाँ पे मोबाइल से क्या नहीं भर पा रहे थे, मार्क्स ऑब्टेन, कट ऑफ और ये डिवीजन वगैरह नहीं भर पा रहे थे,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन टाइप में आपने सबसे पहले हाई स्कूल डालना है, एसएससी मैट्रिक हाई स्कूल, नेम ऑफ डिग्री हाई स्कूल डालना है, सब्जेक्ट एसएससी मैट्रिक हाई स्कूल सब्जेक्ट डालना है, ठीक है। उसका स्टेट उत्तराखंड डालना है, जहाँ से आपका क्या है, जिस स्टेट से आपने 10th कर रखा है। बोर्ड कौन सा है, सीबीएसई है या यूके बोर्ड है, तो यूके बोर्ड है तो स्टेट बोर्ड डालना है, यू सीबीएसई या अदर बोर्ड है तो सेलेक्ट करना वहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन आ जाएगा रिजल्ट पास यहाँ पे कब, मतलब कोर्स ड्यूरेशन तो 1 ईयर का होता है लगभग सबका, और डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, रिजल्ट कब आपका डिक्लेयर हुआ, रिजल्ट टाइप मार्क्स है, सीजीपीए तो है नहीं, मार्क्स आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेंड कितने हैं, और कट ऑफ 500 में से 500 ही रहते हैं, 500 रहते हैं सबके लगभग, तो 500 में से कितने मार्क्स मार्क्स ऑब्टेंड यहाँ पे भरना है, ठीक है। परसेंटेज अपने आप आ जाएगा यहाँ पे कैलकुलेट हो गए, और डिवीज़न फर्स्ट सेकेंड जो भी है आपकी, और उसके बाद आपने क्या करना है, ऐड पर क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे आप ऐड पर क्लिक कर दोगे वो नीचे सेव हो जाएगा और दूसरा खुल जाएगा, और दूसरे में आपने क्या करना है, 12th की डिटेल्स भरनी है, ठीक है। क्वालिफिकेशन टाइप 12th, नेम ऑफ डिग्री एसएससी 12th, सब्जेक्ट साइंस हो गया या आपका आर्ट्स हो तो आर्ट्स भर सकते हैं, स्टेट उत्तराखंड हो गया, यूनिवर्सिटी स्टेट बोर्ड हो गया, रिजल्ट आपका पास हो गया, ठीक है। कोर्स ड्यूरेशन 1 ईयर, और आपको यहाँ पे जब आपका रिजल्ट निकला वो यहाँ पे डेट डालनी है, रिजल्ट टाइप डालना है, मार्क्स है, ठीक है। और यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेंड कितने मार्क्स आपके आए हैं, और कट ऑफ कितने में से कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। परसेंटेज आपके कितने परसेंटेज बनी, और फर्स्ट क्लास, ठीक है। और बाकी आपको फिर ये भी ऐड कर देना, और उसके बाद आपको ग्रेजुएशन डिटेल्स भरनी है दोस्तों। 10th और 12th का नीचे सेव हो जाएगा यहाँ नीचे, ठीक है। यहाँ पे आप नीचे दिख जाएगा उसके नीचे, और यहाँ पे आपने क्या बनना है, ग्रेजुएशन के क्वालिफिकेशन टाइप ग्रेजुएट, नेम ऑफ डिग्री बैचलर ऑफ साइंस, सब्जेक्ट जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री है, मेरा तो मैंने वो डाल दिया, आपका जो भी आप डाल सकते हैं, स्टेट उत्तराखंड हो गया, बोर्ड यूनिवर्सिटी मेरा एचएनबी है, तो अगर आपका सिरदेव है तो यहाँ पर सिरदेव डालिए, जो भी आपकी जिस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है, ठीक है। रिजल्ट स्टेट पास्ट है, ठीक है। 3 ईयर का होता है कोर्स ड्यूरेशन बीएससी का, तो 3 ईयर डाल दिया। डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, जब फाइनल का रिजल्ट आपका डिक्लेयर हुआ उसके नीचे एक डेट होगी, तो वो आपने यहाँ पे डालनी है। उसके बाद रिजल्ट टाइप, तो मेरा तो सीजीपीए सिस्टम था, तो मैंने यहाँ पे सीजीपीए डाल दिया। यदि आपका मार्क्स है या ग्रेड पॉइंट सिस्टम है या सीजीपीए, तो आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सीजीपीए 10 में से कितने आपके यहाँ पे आए हैं, 5.4, 6.7, 9.8 जितने भी हैं, ठीक है, 9.1 जितने भी हैं, वहाँ आपने पॉइंट में वो डाल देने हैं। नॉर्मलाइजेशन इन परसेंटेज, यदि आपका 6.5 है तो 65 कर दो जितने भी आप नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, परसेंटेज के रूप में कितना होगा, ठीक है। डिवीज़न तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड जो भी होगी, और उसके बाद इसको नेम ऑफ काउंसिल ये भरने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। स्टार तो ही नहीं भरने वही हैं जिनमें स्टार हैं, अगर आपका है नेम ऑफ काउंसिल तो आप डाल सकते हैं, वैसे इसकी ज़रूरत तो है नहीं। उसके बाद आपने ये भी ऐड कर देना है दोस्तों। अभी आ गया, तीनों डिटेल्स यहाँ पे पूरी भर चुकी हैं, और यदि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है तो यहाँ पे आप उसकी डिटेल्स भी भर सकते हैं, जो भी आपका अदर कोर्स है, ठीक है। हमने 3 भर दिए, 10th 12th और ग्रेजुएशन का, तो हमारा क्वालिफिकेशन वाला क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब आपने सेव और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद स्टेप 4 तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब स्टेप 5 खुलेगा, एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन, यानी यदि आप कहीं वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे इसने लिखा है कि डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस इन प्राइवेट गवर्नमेंट अथवा सेमी गवर्नमेंट, यदि आप कहीं वर्क कर रहे हैं प्राइवेट में या गवर्नमेंट, और अब आपको एक्सपीरियंस है तो आपने यस करना है, और नहीं कर रहे तो नो करना है, ठीक है। तो मैं तो कहीं करता नहीं, तो मैंने नो कर दिया। यदि आप करते हो तो यस, और उसके बारे में डिटेल्स आ जाएगी वहाँ भरने के लिए कि कितना एक्सपीरियंस है, कितने साल, या नेम ऑफ सेंटर जहाँ आप वर्क कर रहे हो वगैरह वगैरह, वहाँ पर डिटेल्स भरने के लिए आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर क्या कर दिया आपने, नेक्स्ट कर दिया, और उसके बाद खुल जाएगा स्टेप अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, ये आप मोबाइल से भी कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेप 1, 2, 3, 4 और 5 कंप्लीट हो चुके हैं। स्टेप 6 से अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर प्रोफाइल स्टेटस इनकम्प्लीट, जैसे आप अपने अपलोड फोटो और सिग्नेचर वगैरह सही सही डालोगे, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा प्रोफाइल स्टेटस कंप्लीट, ठीक है। तब आपको वो कंप्लीट हो जाएगा, OTR कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो आपने डालनी है, ठीक है। कलर फोटोग्राफी करनी है, नो स्पेशल करेक्टर अलाउड इन द फाइल नेम, कोई स्पेशल करेक्टर नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो फोटो यहाँ से चॉइस फाइल पे क्लिक करना है, और जहाँ आपको फोटो होगा वहाँ आपने ये डाल देना है, ठीक है। इमेज साइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 KB to 50 KB के अंडर में आनी चाहिए इसके बीच, ठीक है। सिग्नेचर यहाँ पे आप अपलोड करना है, और सिग्नेचर का साइज़ कितना चाहिए, 3 KB to 50 KB के बीच, ठीक है। और थंबनेल आपको यहाँ पे अपना थंब इम्प्रेशन यहाँ पे डालना है, और इसको साइज कितनी चाहिए, 3 KB to 50 KB के बीच, ठीक है। और उसके बाद आपने सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाएगा प्रोफाइल स्टेटस कंप्लीट, ठीक है। तब जाके आपका OTR कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार आप अपना OTR कंप्लीट कर सकते हो UKSSSC की वेबसाइट पे, ठीक है। आजकल इसमें नई नई पोस्ट आ रही हैं, जिसके लिए UKSSSC ने OTR ज़रूरी मांगा है, ठीक है। OTR आपको करना ही होगा, तभी जाके आप वो पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार आप जैसे हमने बताया इस वीडियो में, वैसे ही आप अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और उत्तराखंड से लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।